और यहां पर आपको बताएं कि हॉलैंड की हुकूमत ने 18वीं सदी का चोरी होने वाला कीमती ताज एथोपिया के हवाले कर दिया। शाही ताज 21 साल कबल एक गिरजाघर से गायब हो गया था। हॉलैंड की हुकूमत ने 18वीं सदी का चोरी होने वाला कीमती ताज एथोपिया के हवाले कर दिया। इस हवाले से हॉलैंड हुकूमत ने अपने बयान में बताया कि एथोपिया का ये शाही ताज 21 साल कबल एक गिरजाघर से गायब हो गया था और ये ताज एथोपिया के लोगों के लिए मजहबी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। ताज की वापसी के लिए खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें एथोपिया के सदर अबी अहमद अली को बाजाबता तरीके से ये रस्मी ताज हवाले किया गया। इस मौके पर एथोपिया के सदर ने ताज की वापसी पर हॉलैंड की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खुसूसी तकरीब में सराक एस्पा के अलावा हॉलैंड के वजीर बराए गैर मुल्की तिजारत और तरक्याती तआवुन सगर्द गाक ने शिरकत की। हॉलैंड के अलावा दीगर मगरबी ममालिक ने भी सदियों कबल बरे सगीर से लूटे गए अफ्रीकी नमूने वापस करने का वादा किया है और गुज़िश्ता बरस फ्रांस ने चोरी की गई एक तारीखी तलवार सेनेगाल हुकूमत के हवाले की थी।